नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जोरा हाईवे पर हुई प्राइवेट बस हुई खराब, पैसे देने को नहीं तैयार, मीडिया वालों से की बदतमीजी। चौधरी बस सर्विस की बस जोर हाईवे मुरादाबाद से पहले खराब हो गई। उससे पहले एक प्राइवेट और खराब हुई फोन पर उनकी सवारी इस बस वाले अपनी गाड़ी में बिठा ली, जिसमें पहले लगभग 60 सवारी बैठी थी, फिर भी पैसों के लालच में 40 सवारी और बिठा ली। जब इस बात का विरोध किया तब मीडिया वालों से बोले कि मीडिया वाले और ऊपर तक हमारी जेब में रहते हैं। कुछ आगे आने के बाद जोर हाईवे पर वो बस भी खराब हो गई। पता लगा कि ये ड्राइवर और इनके साथी भी शराब पिए हुए थे। इनसे कहा गया है कि भाई हमको किराया दे, वापस हम दूसरी बस में चले जाएंगे। इन्होंने किराया नहीं दिया। जब बात नहीं बनी तब बस में बैठा मीडिया कर्मी ने कहा कि ये आप सब गलत कर रहे हो, इसमें औरतें बच्चे बूढ़े भी किराया दे, ये अपने घर चले जाएं। जब मीडिया वालों ने दखल दिया तब इन्होंने कुछ सवारी को दूसरी बस में बिठा भी दिया, लेकिन सवारी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि उसमें 100 सवारी बिठा रखी थी। आलम यह रहा कि पूरी रात सवारी रोड पर पड़ी रही, बात रात को विवाद भी होने को था लेकिन मीडिया भाई होने नहीं दिया। इधर इनके ही एक बस वाले ने मीडिया वाले के ऊपर बस ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। सुबह जब 8 बजे गए तब भी वह भाई पैसे दे दो, फिर भी नहीं दिए गए। मीडिया की फैमिली भी साथ में थी लेकिन उस आदमी अपनी फैमिली को नहीं देखा और बस सभी सवारियों के चक्कर में पड़ा रहा। यहां तक कि मीडिया वाले को रात किराया दे रहे थे कि आप चले जाओ, लेकिन उसने अपना पहले फर्ज को देखा और अपनी फैमिली को नहीं। सुबह बात यहां तक आ पहुंची कि पब्लिक झगड़ने लड़ने को तैयार, ड्राइवर को मारने को तैयार हो गई, लेकिन कुछ नहीं होने दिया। अंत में सुबह जब पत्रकार भाई की फैमिली परेशान होने और बच्चे भी साथ में थे तब उसको जाना पड़ा और पत्रकार ने कहा ला 1800 किराया दे, 4 लोगों का वापस, फिर नहीं दिया। आखिर अपनी फैमिली की परेशानी नहीं देखी गई, वहां से निकल आया। प्राइवेट बस पी कर गाड़ी चलाते हैं, यहां इनको प्रशासन क्यों देखता है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।